हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ। आज हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये वेक्टर ऐसा टॉपिक है कि जैसे हमारे जीवन में ऑक्सीजन का जितना महत्व है, ऑक्सीजन का जितना इम्पोर्टेंस है, वैसी इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स में ऑक्सीजन की तरह काम करता है कौन? वेक्टर। मतलब वेक्टर जो है, जो आपको छोड़ने वाला नहीं है। और अगर आपने वेक्टर को छोड़ दिया तो आप फिजिक्स की दुनिया को छोड़ देंगे। तो इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका से, ईजी वे में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लेक्चर्स जैसे लोग पढ़ाते हैं, 10, 12, 15, 20 लेक्चर में ख़त्म होता है वेक्टर, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा, टू द पॉइंट, सिंप्लीफाइड वे, विदाउट एनी टाइम पास। तो अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देख लेते हैं, सारे लेक्चर्स को अच्छे से कमांड में ले लेते हैं, तो वेक्टर आपके लिए पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। और एक बार अगर आपका वेक्टर आसान हो गया तो फिर फिजिक्स क्या कहना, फिजिक्स की तो आप धजियां उड़ा दोगे। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हेडिंग डालिए सुंदर सा, वेक्टर। ओके, देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड विच ओबेज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है ना, देखो वेक्टर अलजेब्रा तो हमें इसमें पढ़ना ही है। ठीक है ना, बात करते हैं सबसे पहले अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। इसमें क्या बोला कि वैसा क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और एक ही डायरेक्शन का जरूरत पड़े। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैंने क्या बोला कि ऐसा क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, जिसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन का जरूरत पड़े। और ध्यान देने वाली बात क्या है, एक ही डायरेक्शन का जरूरत पड़े, एक से ज़्यादा डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम लोग सब लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो, एक डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ये गलत हो जाता है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी भी क्वांटिटीज है जिसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास मीनिंगफुल डायरेक्शन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना डायरेक्शन बताए भी काम चल जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ना कि स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जरूरत पड़ना ही चाहिए। अगर बिना डायरेक्शन बताए क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं तो क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगा, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। मतलब स्केलर वो क्वांटिटी होगा जिसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े। ठीक है ना, जैसे मास हो गया, कितना मास है जी, 10 kg। मास को बताने के लिए अगर मान लो किसी क्वांटिटी के मास 10 kg है तो मुझे उसका डायरेक्शन बताना जरूरत पड़ेगा क्या कि ऐसे मास है 10 kg, नीचे से 10 kg, ऊपर से 10 kg, लेफ्ट से 10 kg, ऐसा थोड़ी है। अगर किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो 10 kg है, इसमें डायरेक्शन बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो मास क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो आप फोर्स का बात करो, ठीक है ना, तो फोर्स अगर मान लो इस बोर्ड पे हम अगर 10 N का फोर्स लगाते हैं, इस पर अगर 10 N का फोर्स लगाएंगे तो मैं बोलूँगा कि आप इस पर 10 N का फोर्स लगाओ तो आपको कन्फ्यूजन होगा। क्यों कन्फ्यूजन होगा भाई, 10 N का फोर्स कैसे लगाऊं, किधर से लगाऊं, ऐसे लगाना है कि इस पे ऐसे, इधर से लगाना है कि इधर से लगाना है कि ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स इस बोर्ड पे चेंज होगा। अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे 10 N का तो बोर्ड ऊपर जाने लगेगा, इधर तरफ फोर्स लगाएंगे 10 N का तो बोर्ड इधर जाने लगेगा, इधर लगाएंगे तो इधर जाने लगेगा, है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई साहब फोर्स ऐसा करिए, इस बोर्ड पे 10 N लगाइए अपवर्ड में। मतलब मेरी चाहत क्या है कि बोर्ड को ऊपर लेके जाओ। बात ही समझे ना, तो क्या फोर्स को बताने के लिए बिना डायरेक्शन हम बता सकते हैं क्या? नहीं, फोर्स को बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, तभी हमारा फोर्स का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो पाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बोला क्या कि एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे हम लोग। और क्या पढ़ते हैं कि एक मैग्नीट्यूड हो और उसके पास एक डायरेक्शन हो, वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। इसमें मैंने बोला कि थोड़ा गलत है, इसको थोड़ा एडिट कर दे तो ये हो जाएगा अच्छा, ये सही हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हो, ओनली डायरेक्शन ही बोल रहा हूँ मैं, एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। मीनिंगफुल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ
कुल मिला के वही डेफिनेशन है। मीनिंगफुल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमें बिना डायरेक्शन बताए काम नहीं चलेगा, है ना। और मीनिंगफुल डायरेक्शन ही इसका मतलब डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऐसे उसको कहने के लिए डायरेक्शन है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक करंट का बात करो, ठीक है, तो इसे फ़ैन है हमारा, तो फ़ैन हमारा फ़ैन मतलब घूमने वाला फ़ैन, हमारे फैंस नहीं, ठीक है ना, ये घूमने वाला फ़ैन जो हवा दे रहा है, ठीक है, ओके। तो फ़ैन है उसको 5 एम्पियर चाहिए नाचने के लिए, फैंस को नाचने के लिए कितना चाहिए जी, 5 एम्पियर चाहिए। तो आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन तो होता है ना, कैसे डायरेक्शन होता है करंट का, जैसे वायर चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने वायर लगाया है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाया है वायर, तो करंट का डायरेक्शन वैसी है ईस्ट से वेस्ट, है ना। अगर मान लो मैंने ऐसे लेके, अगर मैंने नीचे से लेके गया तो वायर नीचे से ऊपर गया, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। अगर दरवाजे की तरफ से खींच के लाया हूँ तो करंट दरवाजे की तरफ से, अगर विंडो से लाया हूँ तो करंट का डायरेक्शन विंडो से है, ठीक है ना। तो फैन बोलेगा कि भाई साहब मेरे को 5 एम्पियर करंट दो, और अगर आप विंडो की तरफ से लेके आओगे वायर तभी मैं नाचूंगा, तभी मैं घूमूंगा। ऐसा है क्या? नहीं, करंट को क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि आप किधर से वायर लगाओगे। मतलब यह हुआ कि करंट के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन कोई मतलब का नहीं है। डायरेक्शन नहीं देंगे तो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा देखो बल्ब चलाना है ना, इसको आप 5 एम्पियर दे दो, तो आपको समझ में, हाँ ठीक है, वायर लेना है और 5 एम्पियर खूब इसके पास जोड़ देना है, भाई सब चलने लगेगा, बल्ब जल जाएगा मस्त एकदम, है ना। तो डायरेक्शन है करंट के पास, लेकिन डायरेक्शन मीनिंगफुल नहीं है, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन का। बिना डायरेक्शन में लोग काम कर लेते हैं। तो करंट के पास डायरेक्शन रहते हुए भी क्या ये वेक्टर होगा क्या? नहीं होगा, ये क्या होगा? स्केलर होगा, ठीक है। तो क्या हमें ये कहना सही होगा कि एक मैग्नीट्यूड हो, एक डायरेक्शन हो, वेक्टर है? गलत हो जाएगा। वो डायरेक्शन के साथ एक मीनिंगफुल डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब विदाउट डायरेक्शन लोग काम नहीं चल पाएगा। जिसे मान लो टाइम है, टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। है डायरेक्शन, ऐसी बात नहीं, डायरेक्शन है, लेकिन ये मीनिंगफुल डायरेक्शन है। हम चाहे तो टाइम को एक डायरेक्शन थोप सकते हैं ज़बरदस्ती का, है ना। अच्छा मान लो मैं आपको बोलूँगा कितना टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 9 बज रहा है। क्या डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या, कितना टाइम हो रहा है? तो 9 बज रहा है क्लॉक वाइज, ऐसा कुछ हुआ क्या? 9 बज रहा है क्लॉक वाइज, 9 बज रहा है एंटी क्लॉक वाइज। ऐसा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सीरियसली मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछूं कि टाइम का डायरेक्शन क्या होता है, बताइए, फ्यूचर टू पास्ट होता है कि पास्ट टू फ्यूचर होता है टाइम का डायरेक्शन? बोलिए किधर से किधर मूव करता है, फ्यूचर से पास्ट टाइम मूव करता है या फिर पास्ट से फ्यूचर टाइम मूव करता है, कैसे मूव करता है? सोचो, आपके मन में आ रहा होगा कि टाइम तो पास्ट से फ्यूचर की तरफ मूव करता है कि नहीं, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, ऐसे लग रहा होगा शायद। जो पास्ट में है वो फ्यूचर में आएगा, कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, जो पास्ट में है वो फ्यूचर में आएगा। टाइम अगर पास्ट से फ्यूचर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट से फ्यूचर जा रहे हैं हम लोग? नहीं, पास्ट से फ्यूचर हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग फ्यूचर से पास्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी टाइम बज रहा है 9:00 हो रहा है, ठीक है ना। 10 बजने के टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर बोलेंगे। 10 बजे के टाइम को क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। तो 10 बजेगा एक घंटे बाद क्या होगा? 10 बजेगा, मतलब वो जो 10 बज रहा था फ्यूचर, एक घंटे बाद अभी 9 बज रहा है। अभी क्या हो रहा है? 9 बज रहा है, ठीक है। एक घंटे बाद क्या होगा? 10 बजेगा। मैंने बोला 10 बजने के टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर बोलेंगे। तो एक घंटे बाद क्या हो जाएगा? 10 बज गया, मतलब वो फ्यूचर था, वो कहाँ पर ट्रैवल करके आ गया जी? प्रेजेंट में आ गया, है ना। और एक घंटे बाद क्या बज जाएगा? 11 बजेगा, है ना। तो 10 कहाँ चला गया? पास्ट में चला गया, है ना। 10 बजे था फ्यूचर, है ना, तो 9 से 10 बचा, वो टाइम जो था ना कहाँ पे आ गया? प्रेजेंट में आ गया। और फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा जी? वो पास्ट में चला गया। तो टाइम कैसे मूव करता है? फ्यूचर टू पास्ट। तो कोई बोलेगा कितना टाइम हो रहा है? तो 9 बज रहा है फ्यूचर टू पास्ट। ये फ्यूचर टू पास्ट कहना जरूरी है क्या? नहीं, बस बोल दोगे सर 9 बज रहा है, काफ़ी है, है ना। तो टाइम के पास भी हम लोग डायरेक्शन थोप सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मीनिंगफुल डायरेक्शन। बिना टाइम, बिना डायरेक्शन को बताए हुए टाइम हमारा स्पेसिफिकेशन हो सकता है। तो मैं ऐसा करता, आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक चीज़ मुझे और समझाना है कि मैंने लिखा कि ऐसा क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन का जरूरत पड़े, एक ही डायरेक्शन का जरूरत पड़े, उससे ज़्यादा डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी को बताने के लिए एक से ज़्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है तो वेक्टर नहीं होगा, वो क्वांटिटी होती है टेंसर। तो आपको एक चीज़ और, हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है और एक टेंसर है, तीन टाइप के क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं है, हमें तो क्या पढ़ना है?
स्केलर और वेक्टर। अपना बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल का बात करें तो हमारे में सिर्फ तीन ही क्वांटिटी, सिर्फ दो ही क्वांटिटी है, स्केलर और एक वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे लिए कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर है, क्लियर सी बात है। अगर वो वेक्टर नहीं होगा तो सच्चाई क्या है, अगर वो वेक्टर नहीं है तो या तो टेंसर हो सकता है या फिर स्केलर हो सकता है कि नहीं। अगर वो वेक्टर नहीं है तो या तो टेंसर हो सकता है या फिर स्केलर हो सकता है, और हमारे लिए तो कोई टेंसर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए एक वेक्टर होगा, अगर वेक्टर वो नहीं है तो क्या होगा, स्केलर होगा। हमारे लिए दो ही कैटेगरी, एक वेक्टर नहीं तो स्केलर। मतलब टेंसर को भी किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। आई बस समझना, जो हमारे लिए क्वांटिटी वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा, अदरवाइज स्केलर होगा। जिसके पास मल्टीपल डायरेक्शन होते वो क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा, स्केलर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो मल्टीपल डायरेक्शन है इसके पास, ऐसे लगता है ना, ठीक है ना, इसको प्रेस कर रहा है, ठीक है, मान लो बलून है तो ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा, चारों तरफ मल्टी डायरेक्शन लगता है। तो प्रेशर के पास डायरेक्शन है कि नहीं बताइए, प्रेशर के पास डायरेक्शन तो है ना, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होगा, रियलिटी क्या है, टेंसर होगा, लेकिन हम लोग इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, स्केलर में। ये क्वांटिटी क्या होगा जी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगा। तो सिर्फ ये कहना है कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर है, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। हम लोग कहना चाहिए ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक ही मीनिंगफुल डायरेक्शन हो, या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन के लिए एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन का जरूरत पड़े, वैसे क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। और एक लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ, विच फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा तो इस टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना इज नॉट सफिशियंट, उस क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा का जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट के पास डायरेक्शन तो है, हमने आपको विदाउट वेक्टर अलजेब्रा के नॉलेज आपको समझा दिया कि करंट स्केलर है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता होगा, क्योंकि हमने दो चीज़ तो सेटिस्फाई कर गया, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, लेकिन इसका मतलब क्या, वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता होगा वो, इसलिए वो क्या है, स्केलर है। तो मैथमेटिकली कह सकते हैं कि करंट जो है ना वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्चुअली कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन को जरूरत नहीं पड़ता है, विदाउट गिविंग द डायरेक्शन वी कैन स्पेसिफाई द करंट कम्प्लीटली। ओके, चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको पहले बताया कि टाइम और करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब सारे पॉइंट्स आप लिखिए, टाइम एंड करंट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना है रोटेशन में, ठीक है, ये भी क्या होता है जी, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो आपने देखा होगा ये ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसको क्या बोलते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इसको वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा भी इसी कहते हैं। मतलब जो क्वांटिटी इसको फॉलो करेगा वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो बोला है कि फाइनाइट रोटेशन जो है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब ये है कि वो इस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। फाइनाइट रोटेशन का मतलब क्या होता है, मेजरेबल रोटेशन है ना, मेजरेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लाइक दैट, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो इन्फाइनाइट सोमल रोटेशन है, इन्फाइनाइट सोमल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा रोटेशन, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से, ठीक है ना, वो जो रोटेशन होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब जो जैसे अगर मैंने मान लो मैंने डी थीटा 1 लिखा, डी थीटा 1 का मतलब क्या हुआ, स्मॉल रोटेशन, वेरी वेरी स्मॉल रोटेशन, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 होता है, ये वेक्टर एडिशन है। कहा जाता है कि ये डी थीटा 1 डी थीटा जो स्मॉल रोटेशन जो होता है ना, ये क्या होता है जी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो फाइनाइट रोटेशन जो होता है, मेजरेबल रोटेशन, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन स्मॉल रोटेशन क्या होता है, इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे फॉलो करता है, मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। मान लीजिए कि डी थीटा 1 जो रोटेशन मैं लूंगा ना, ये हॉरिजॉन्टल में लूंगा पहले, और इसको लूंगा मैं वर्टिकल में। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लेके दिखाता हूँ। मैंने इसको बोला डी थीटा 1, ठीक है ना, ये पहले मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अगर मैं घुमाता हूँ हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, डी थीटा 1 है, और फिर वर्टिकल में घुमाऊंगा तो क्या कहलाएगा, डी थीटा 2 कहलाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, पहले वर्टिकल में घुमाऊंगा फिर हॉरिजॉन्टल में घुमाऊंगा। आपको समझ में आया, पहले हॉरिजॉन्टल में घुमाऊंगा फिर वर्टिकल में घुमाऊंगा, फिर देखूंगा कहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन है।
ठीक है ना। और इसको करने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल हो गया, डी थीटा टू तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल में और फिर हॉरिजेंटल में घुमाऊंगा तो फिर देखूंगा कहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्या है जी, वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, मान लीजिए आप मैं यहाँ से हॉरिजेंटल में ऐसे लेके जाऊँगा, स्मॉल एंगल का बात करें हम लोग, इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने स्मॉल एंगल के लिए ऐसे किया, ये मान लो वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ऐसे घुमाया, हॉरिजेंटल घुमाया ना, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल में घुमाया, ठीक है ना, डी थीटा वन हो गया। फिर वर्टिकल में घुमाया, ऐसे घुमाया, ये क्या हुआ जी, डी थीटा टू हुआ, समझ में आया। हॉरिजेंटल घुमाया डी थीटा वन, फिर वर्टिकल में डी थीटा टू। अब हमें क्या करना है जी, डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन, डी थीटा टू मतलब वर्टिकल देन हॉरिजेंटल, याद रखना हॉरिजेंटल वर्टिकल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको क्या करूँगा ना, पहले वर्टिकल देन हॉरिजेंटल, मतलब हमें करना है क्या, डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन। तो पहले मैंने किया वर्टिकल और फिर हॉरिजेंटल, आई बस में देखो तो क्या सेम वेक्टर मिल गया, सेम डेटा मिला क्यों नहीं मिला, मतलब देखो तो हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, इसको क्या किया वर्टिकल पहले फिर हॉरिजेंटल, जितना इसको घुमाया, मान लो इसको 3 डिग्री घुमाया और ऊपर घुमाया 2 डिग्री, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले 2 डिग्री घुमाऊंगा फिर 3 डिग्री घुमाऊंगा, तो क्या ये पैरेलल मिल गया, क्या सेम वेक्टर मिल गया, मतलब ए प्लस बी और ये क्या है बी प्लस ए, क्या सेम वेक्टर मिला, सेम वेक्टर मिला ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्मॉल रोटेशन होता है ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए थोड़ा सा फाइनाइट रोटेशन करके देखते हैं, मान लीजिए कि मैं इस बार 90 डिग्री घुमाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाया, ऐसे लिया और फिर ऐसे लिया, ठीक है ना, पहले 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल में और फिर 90 डिग्री वर्टिकल में। अब इसको क्या करूंगा, पहले वर्टिकल में उसके बाद हॉरिजॉन्टल में, देखो ये राइट की तरफ ले रहा हूं और फिर ऊपर लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर लूंगा, पहले सबसे पहले ऊपर लूंगा और फिर, आई बात समझ में ना। तो देखो क्या सेम वेक्टर मिला क्या, देखो इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया ऐसे और फिर ऐसे लिया, ठीक है ना। इसको क्या लूंगा मैं, इसको पहले ऊपर लूंगा और फिर इधर की तरफ राइट की तरफ, तो क्या ये सेम वेक्टर मिला, सेम वेक्टर नहीं मिला। तो फाइनाइट रोटेशन जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। देखो एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, देखो इस बुक के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं, ये बुक बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, देख सकते हो कौन सा बुक है ये, ठीक है, और देगा भी अगर आपको नहीं दिया है तो डेफिनेटली देगा, ठीक है। देखिए ये मैंने ऐसे रखा, ये किताब का हमारा इनिशियल पोजिशन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि 90 डिग्री मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है ना, चलो ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाया और फिर ऊपर घुमाया, कैसा दिखा, क्या आपको सीधा किताब दिखा, बिल्कुल दिखा, ठीक है ना। ऐसे था किताब, ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, ठीक है। पहले कैसे घुमाया जी, राइट की तरफ घुमाया हॉरिजॉन्टल में फिर वर्टिकल में, ठीक है ना। अच्छा अब क्या घुमाऊँ, पहले ऊपर घुमाता हूँ फिर राइट की तरफ घुमा दूंगा, तो पहले ऊपर फिर राइट घुमाया, क्या वही पोजीशन मिला आपको, बताइए जादू है क्या। देखो ऐसे है ना, पहले राइट घुमाया फिर ऊपर में, ठीक है ना। अब डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन करने का मतलब क्या हुआ, देखो पहले राइट फिर ऊपर, अब दूसरी बार क्या करूँगा, पहले ऊपर फिर राइट, तो ऐसे पोजीशन में ले लो, पहले ऊपर फिर राइट, है ना। तो ये जब हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब मेजरेबल चेंज लेके आ रहे हैं, तो ये सेम नहीं हो रहा है, आई बात समझना, ये सेम वेक्टर डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम फाइनाइट इसका वेरी स्मॉल वाला करें, अगर इस किताब के हेल्प से तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो और फिर ऐसे करो, तो किताब के ऐसे मिला, ऐसे ऐसे पोजीशन मिला इसका, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे है, ऐसे किया फिर ऊपर किया तो ऐसे मिला, ठीक है, कैसे किया जी, ऐसे किया फिर ऐसे किया, छोटा छोटा एंगल, ठीक है ना। पहले किया इधर फिर ऊपर, अब मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर फिर इधर, क्या फिर से ऐसे मिल गया, मेरी बात समझ ना, पहले इधर फिर ऊपर या फिर पहले ऊपर फिर इधर, तो यही पोजीशन मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, वेरी स्मॉल एंगल, वो क्या होता है जी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फाइनाइट एंगल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि एक लाइन होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का मतलब कि अगर सिंपल ये लाइन दूँ तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, लेकिन इसमें मैंने अगर एक एरो दे दिया ऐसा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें डायरेक्शन है। तो एरो की प्रॉपर्टी क्या होगी जी, इस पॉइंट को टेल बोलेंगे और इस पॉइंट को हेड बोलेंगे। एरो की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक टेल होगा और एक हेड होगा, ओके। अब मान लीजिए कि ये टेल जो है ना पॉइंट ए पर है और हेड जो है पॉइंट बी पर है, ठीक है ना, और ये किसी वेक्टर को डिनोट किया है, ये
किसी वेक्टर को डिनोट किया है, ठीक है। तो मान लो ये कोई वेक्टर, कौन सा वेक्टर ले लूँ, मान लो कोई एफ है, ये कोई एफ वेक्टर है, इसको डिनोट किया है ये, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट नंबर टू, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मैंने पहला बोला कि इट इज़ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी वेक्टर, ए बी, ए बी वेक्टर कह सकते हैं, ए बी। अब इस ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर जो ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है, या फिर इस ए बी वेक्टर का नाम क्या है बताइए, इस ए बी वेक्टर का नाम क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, एफ को डिनोट कर रहा है। तो मैं ऐसे एफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन इस पे ऐसे एक एरो देना पड़ेगा, किसी भी लेटर के ऊपर में एरो लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी, से ए है, इसके ऊपर में एरो मैंने लगा दिया तो इट इज़ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। या फिर अगर आपको एरो देना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे ना, आप इस ए को बोल्ड फेस में लिख दोगे, ठीक है ना। ए बी या फिर एफ को भी आप बोल्ड फेस में लिख दो, तो ये क्या है, वेक्टर नोटेशन है। कहने का मतलब ये कि वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए बी वेक्टर, मतलब टेल टू हेड का लेटर लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, या फिर इस वेक्टर का नाम क्या है, एफ को डिनोट कर रहा है तो एफ पे एक एरो लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसे एरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ए बी को अगर आपको एरो देना पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं ना, बोल्ड फेस में लिख देते हैं, थोड़ा मोटा अक्षर में, रिलेटिवली मोटा अक्षर लिख देते हैं, ठीक है ना। और या फिर इसमें भी अगर आपको एरो देना पसंद नहीं तो एफ को आप मोटा अक्षर में लिख दो, ठीक है ना। लेकिन बात यह कि हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करते हैं 99% केसेस में लिखने के लिए, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए। लेकिन हमें सिंबल तो सारा जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ये यूज़ करेगा। आपको पता होगा कि टाइप करना ये वाला ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर टाइप होता है ना, तो ये टाइप करना तो बोल्ड फेस में लेकर आप टाइप कर दो, तो टाइप करना ज़्यादा आसान होगा, इसको बनाना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, अगर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं उसमें कोई बीच बीच में बोल्ड फेस में लिखा हुआ, उसका मतलब क्वांटिटीज़ क्या है जी, वो वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये हुआ दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होता है ना, एरो का लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर हमने 5 न्यूटन के वेक्टर को ऐसे दिखाया है, दिस इज 5 न्यूटन, मैं फोर्स का ही हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि फोर्स हम लोग ज़्यादा अच्छे से फील करते हैं कि नहीं। अब फोर्स हमने फील भी किया है जीवन में, बहुत सारा फोर्स फील किया है कि नहीं। खैर, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स का एरो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, और आपसे अगर बोलूँ कि ऐसा करो आप, एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन को ड्रॉ करो आप, तो डेफिनेटली मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो एरो का लेंथ भी ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, तो ये जो 5 न्यूटन इतना बड़ा एरो डिनोट कर रहा है तो 10 न्यूटन इससे दुगना, 10 न्यूटन के क्या न्यूटन क्या होगा जी, इससे दुगना होगा इसका लेंथ, ठीक है ना। वही अगर मैंने आपसे बोला कि एफ इक्वल टू आप 3 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करो, तो 3 न्यूटन क्या होगा, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ ना, देखो तो ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी आपको बहुत ही आसान लग रहा है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी से मैं आपको वेक्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ वेक्टर, विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर अलजेब्रा, पूरा का पूरा ज्योमेट्री लगा के मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर डालूंगा। कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना कि अगर कोई वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है 5 न्यूटन दिया हुआ ना, तो हमें ये समझना है कि इसका लेंथ 5 है। अब बोलो सर ऐसे कैसे, लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मीटर ही होता है, लेकिन समझना ये है कि लेंथ प्रोपोर्शनल है ना मैग्नीट्यूड का। तो हम बोले कि ये लेंथ जो है ना 5 न्यूटन को दिखा रहा है, मतलब दिस लेंथ ऑफ दिस एरो इज 5, लेंथ ऑफ दिस एरो इज 10, लेंथ ऑफ दिस एरो इज 3। ऐसे हम अगर समझ के इस चीज़ को फील कर गए ना, तो सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से करेंगे, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट वगैरह का, जो भी टेंजेंट लॉ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अगर इसको समझ गए तो सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ वेक्टर हम लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए लिखिए तीनों प्रॉपर्टीज़।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है और टू द पॉइंट पढ़ना है, जहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम पास हम लोग को नहीं करना है। जितना मैं बातें कर रहा हूँ टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक एक वर्ड काम आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ओके सो बी केयरफुल। सो हम लोग बढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग दो टाइप के वेक्टर होंगे हमारे पास। एक होगा वन डायमेंशनल वेक्टर और एक क्या होगा टू डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है ना, टू और थ्री डायमेंशन कह सकते हैं। एक तो हमारे पास कैटेगरी होगा वन डायमेंशन का और एक कैटेगरी में रखेंगे टू और थ्री डायमेंशन का, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन के लिए जो देते हैं ना हम लोग, वन डायमेंशन का वेक्टर जो होगा उसको डायरेक्शन देने के लिए प्लस या फिर माइनस साइन यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वन डायमेंशन का मतलब ये हुआ ना कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो वेक्टर जो होगा या तो इधर की तरफ जा रहा होगा या तो इधर की तरफ जा रहा होगा, मतलब लाइन में जा रहा होगा। ऐसे भी जा सकता है, 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 मतलब या तो एक्स एक्सिस तरफ मूव कर सकता है या तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। ऐसे नहीं मूव करेगा, ये प्लेन में मूव नहीं करेगा। प्लेन में मूव करेगा अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वेक्टर के तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टू डायमेंशन। अगर वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है जैसे जब क्या हो रहा है इसका दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशन है, ठीक है ना। तो देखिए अगर वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी ही ले लेते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी कैसा होगा जी, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन तो है ना। अगर मैं बोलूँगा इसकी वेलोसिटी इतनी है तो किधर की तरफ है, मतलब किधर जा रहा है, जा तो रहा है कितने स्पीड से, 10 से। दिस इज व्हाट स्पीड, स्पीड इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कितने स्पीड से जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बात कर लिया कि कितने स्पीड से जा रहा है और किधर जा रहा है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। जैसे हम लोग कार में चल रहे हैं, चाहे बाइक पे, चाहे स्कूटी पे, जैसे चल रहे हैं, तो मान लो हम लोग 90 से चल रहे हैं, 90 स्पीड से, तो दैट इज व्हाट स्पीड, कितने स्पीड चल रहे हो भाई, 90 चल रहे हो। अब कोई बोलता है कितने से चल रहे हो, 90 से, किधर की तरफ चल रहे हो, किधर की तरफ चल रहे हो, तो उस आगे वाले चौक की तरफ चल रहे हैं हम लोग, कोई जगह का नाम बताते हैं, है कि नहीं। वो जो पोल दिख रहा है ना, उस पोल के सामने मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ डायरेक्शन बता दिया, तो वो स्पीड नहीं रह जाएगी, वो क्या कहलाएगी जी, वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब स्पीड का जो वैल्यू है ना, उसके साथ अगर एक डायरेक्शन अटैच कर देते हैं तो स्पीड प्लस डायरेक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है, ठीक है ना। तो मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने क्या बोला, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब किधर मूव करा, राइट की तरफ। अगर मैंने बोला किसी क्वांटिटी का वेलोसिटी जो है ना, किसी कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर वाई की बात करें तो प्लस लेंगे तो ऊपर की तरफ, माइनस लेंगे तो नीचे की तरफ। और देखो प्लस माइनस लेना ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस ले लिया मैंने इधर तो प्लस ही होगा। अगर आपने मान लिया इसको राइट को प्लस लिया तो लेफ्ट आपके लिए क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैंने राइट को ही माइनस ले लिया तो मेरे लिए लेफ्ट क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मैंने ऊपर को माइनस ले लिया तो नीचे वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब दिस इज आर कन्वेंशन कि आप कैसे लेते हो। अगर आपने राइट को प्लस लिया है तो लेफ्ट को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में समझ लेना, क्वेश्चन अगर मान लो राइट को प्लस लिया, आप भी राइट को प्लस ले रहे हो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम मैच करेगा। लेकिन क्वेश्चन में राइट को प्लस लिया है और आप राइट को माइनस ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा, आप जो आंसर लेकर आओगे उसका, तो आपका आंसर भी मैच करेगा, बस साइन का उल्टा रहेगा, क्योंकि आपका जो मानना था ना, साइन कन्वेंशन जो था आज आपके लिए वो उल्टा था। क्वेश्चन में प्लस लिया था आपने, उस डायरेक्शन को माइनस लिया था। क्वेश्चन में प्लस पॉजिटिव एक्स को प्लस लिया था आपने, इधर की तरफ जा रहे पार्टिकल का वेलोसिटी माइनस लिया था, ठीक है ना। तो आपका जो भी आंसर आ रहा होगा प्लस में आ रहा होगा तो क्वेश्चन में हमें माइनस देना पड़ेगा, उल्टा देना होगा, क्योंकि हमने उल्टा एज्यूम करके रखा है। मेरी बात समझ आई क्या, जैसा क्वेश्चन था उसके उल्टा एज्यूम किया तो आंसर भी तो उल्टा ही आएगा ना। तो उसको मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस साइन जब होगा कब यूज करेंगे हम लोग, तो वन डायमेंशन वेक्टर के लिए प्लस और माइनस साइन को यूज करते हैं, ठीक है ना। टू डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल के यूज करते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप बताइए कि कितने स्पीड से चल रहा है, तो 10 से चल रहा है। वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस 100 मीटर पर सेकेंड मैंने लिखा, कितने स्पीड से चल रहा है, माइनस 100, कितने स्पीड चल रहा है जी, 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। वेलोसिटी मैंने लिखा 80 मीटर पर सेकेंड, कितने स्पीड से चल रहा है,
80 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें स्पीड कितना था, 100 था, इसमें स्पीड कितना था, 80 था, इसमें स्पीड कितना था, 10 था, है कि नहीं। ये माइनस क्यों आया, माइनस किस लिए आया जी, डायरेक्शन के लिए आया। तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करूँ, मैं बोलूँगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात करें, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, 100 है, इसका मैग्नीट्यूड 80 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आपने कभी कार में देखा है स्पीड का रीडिंग -80 मीटर पर सेकेंड, कभी बाइक में देखा है -80 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, नहीं। हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहीं वेक्टर में लिखा रहेगा 10 मीटर पर सेकंड तो मैं बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड -10 है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए से, मतलब इस पे मॉड लगा देंगे। सो दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ए। या फिर कैसे डिनोट करेंगे, अगर आपको ये एरो और मॉडुलस नहीं देना है तो सिंपल आप ए लिख दीजिए, ठीक है ना। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या फिर अगर मान लो वेक्टर को डिनोट किए हम लोग ए बी से, तो इसको कैसे मैग्नीट्यूड इसका डिनोट करेंगे हम लोग, ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर सिंपल ए भी लिख दिए, ठीक है ना। मतलब अगर आपको एरो देना पसंद है तो आपको मॉडुलस भी देना पड़ेगा मैग्नीट्यूड डिनोट करने के लिए, या फिर कुछ भी मत दो, ना एरो दो ना ही ये मॉडुलस दो, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस इज फॉर व्हाट, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। चलो अब देखते हैं हम लोग डायरेक्शन टू डायमेंशन वेक्टर के लिए। तो हम लोग देखेंगे टू डायमेंशन वेक्टर होगा उसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग दो तरीका से निकालते हैं, एक तो हम लोग करते हैं बाय सिंगल रेफरेंस लाइन, हालांकि इसमें तीन तरीका होता है, चलिए पहले मैं एक तरीका आपको बता दूं, बाय सिंगल रेफरेंस लाइन। सबसे पहली बात है कि हमें रेफरेंस लाइन का मतलब समझना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है, ठीक है ना। वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा जी, रेफरेंस लाइन कहलाएगा। अगर मान लो ये कोई वेक्टर ए है और इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, सो दिस लाइन क्या कहलाएगा जी, रेफरेंस, ये लाइन रेफरेंस लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इस रेफरेंस लाइन से ना ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ये कैसा एंगल बनाया जी, क्लॉकवाइज बनाया कि एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, ठीक है ना। तो ये सिंगल हमारे पास क्या है, एक ही रेफरेंस लाइन है, सिंगल रेफरेंस लाइन से वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज बनाया है एंगल, तो थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है ना। अगर 30 डिग्री लिखा रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव लिखेंगे फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था पॉजिटिव लिखना है, और क्लॉकवाइज बनेगा तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है। अब देखो सिंगल रेफरेंस लाइन का मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने बोला कोई वेक्टर जो है ना 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मैंने बोला कि कोई वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप क्या सोचोगे, कहाँ से बना रहा है, क्या वो वाई एक्सिस से बना रहा है कि नेगेटिव वाई से बना रहा है, कि कहाँ से बना रहा है। तो हमारे मन में इमेज क्या बनता है, बताइए क्या मन में इमेज बनता है। तो हमारे मन में इमेज बनता है कि अगर कोई बोल रहा है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो जो वेक्टर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है ना, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम समझते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। अगर मैं बोलता कि कोई वेक्टर है -60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो तुरंत आप समझ जाओगे ओ -60 डिग्री, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे वेक्टर होगा, क्लॉकवाइज बना रहा होगा, इसलिए ये -60 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो हम 60 लिखेंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि अगर मैं मान लो इसको मैंने बोला बी वेक्टर, तो मैं बोलूँगा बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है जी, तो -60 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं हम लोग, अच्छा। तो ये सिंगल रेफरेंस लाइन लिया, मतलब सिंगल कोई रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो आपको यह याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बन रहा होगा तो पॉजिटिव लिखना है, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप मल्टीपल रेफरेंस लाइन यूज कर रहे हो, मतलब आप आज़ाद हो, कम्प्लीटली आज़ाद हो, आप सोच रहे हो कि हम कुछ भी कोई भी रेफरेंस लाइन ले ले, हमारे लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, हमारे लिए मतलब कहने मतलब कि लिमिटेशन है कि हम इसी लाइन को लेंगे रेफरेंस लाइन। मैंने बोला कि अगर आप मल्टीपल रेफरेंस लाइन यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे मान लो
हमने आपको बोला कि 30 डिग्री बना रहा है एंगल, तो आपके मन में क्या गया कि पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाया। मैंने बोला कि माइनस 60 डिग्री एंगल बनाया, तो आपके मन में क्या गया कि पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज एंगल बनाया, है कि नहीं। लेकिन मान लो कि हमारा जो वेक्टर है ऐसे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब सोचो मैंने बोला कि मेरा जो वेक्टर है ना 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि आप ये सोचोगे। अगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला है क्या कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप तो यही सोचोगे कि कन्वेंशन तो यही है। अरे जस्ट लाइक कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि इसे मालूम मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है, तो बताओ ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव है। मैंने तो इसके सामने साइन नहीं लिखा ना, मैंने इसके सामने साइन लिखा क्या, नहीं लिखा। लेकिन अगर वही मैं अगर -4 लिखूंगा तो बोलोगे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। कहने मतलब ये है कि हम लोगों ने कन्वेंशन बनाया है कि अगर यहाँ पे साइन नहीं लिखा रहेगा तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ओके, अगर साइन नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे जी, पॉजिटिव मानेंगे। वैसे यहाँ भी है कि अगर कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहेगा, कहाँ से बना रहा है, कितना बना रहा है, तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है। प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, और माइनस रहेगा तो क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वेक्टर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप तो ये बना दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ और इस एक्सिस के अलावा कुछ और अगर हम रेफरेंस लाइन यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आपने ये कुछ लिया है तो इसका डायरेक्शन देने के लिए लिखना पड़ेगा कि ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या ये सफिशियंट है, नहीं। फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस 30 डिग्री कैसे भी हो सकता है, आपको लिखना पड़ेगा दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनाया ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई जैसे चल रहा है, ऐसे चलता है ना, हमारे तरफ तो घड़ी का सुई ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लिख देंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज लिख देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने रेफरेंस लाइन कुछ और यूज़ किया, ऐसे यूज़ किया, ये कोई बी वेक्टर है, तो यहाँ भी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा इसका कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है 60 डिग्री, ये कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। मैं बोलूँगा 60 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, बताओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कैसा, मेरी बात क्लियर है, मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी रेफरेंस लाइन यूज़ कर सकते हो, बट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कि अगर आप पॉजिटिव एक्सिस से लिख रहे हो तो एक कन्वेंशन है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये होता है डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देना रेफरेंस लाइन को यूज़ करके, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट करते हैं, आप इसको लिखिए अच्छे से। तो टू डायमेंशन वेक्टर के लिए ही डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बार बार हम लोग को लिखना पड़ता है, और इसी मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग इसी वे में लिखते हैं, और वो है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को यूज़ करके हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ही प्यार से शिद्दत से आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ कहते हैं इसको, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये क्या होता है जी, नॉर्थ साउथ, और ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग दो लेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में हम लोग दो लेटर यूज करते हैं, एक लेटर बताता है कि कहाँ किसके तरफ हमने वेक्टर मेजर किया, और दूसरा बताता है कहाँ से मेजर किया। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको चमक जाएगा, आप चिंता ना करें थोड़ा भी। वेक्टर ए दिस इज 30 डिग्री, इसमें दो लेटर यूज करना है। वेक्टर ए का मैं डायरेक्शन बताना चाहता हूँ, कहाँ दे दूँ, यहीं पर देता हूँ। वेक्टर ए का मैं डायरेक्शन बताना चाहता हूँ 30 डिग्री। अब बताइए मैं एन ई लिखूँ कि ई एन लिखूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोला है कि फर्स्ट लेटर डिनोट्स टुवर्ड्स विच एंगल इज मेजर्ड, एंड सेकेंड लेटर डिनोट्स फ्रॉम विच एंगल इज मेजर्ड। फर्स्ट लेटर कौन होगा, किसके तरफ मेजर किया गया है, नॉर्थ की तरफ मेजर किया है। कहाँ से मेजर किया गया, ईस्ट से मेजर किया गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़त्म होगा, ये वाला सही है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमारे पास वेक्टर ये वाला है, दिस वन इज कितना दे दो, चले 30 डिग्री है, इसका अगर डायरेक्शन देना है हमें तो क्या लिखेंगे बोलो, 30 डिग्री
NW और WN कि तो क्या लिखोगे आप? WN, वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, या फिर कहते हैं हम लोग जी, या फिर कहते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बात दोनों बराबर है, ठीक है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसमें क्या कहेंगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। अब देखो वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, तो आपको यहां से क्लैरिटी आ जाएगा, वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। यहां पे क्या है, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, ठीक है ना। अच्छा और एक देखते हैं, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है, बोलिए क्या लिखूं? 60 डिग्री एसी और ईएस, ईएस होगा, चमक गया आपको अच्छे से, ईएस। मैं तो आपको देसी भाषा में बता दूं आपको एकदम सिंपल भाषा में, कि अगर ऐसा रहेगा तो जिससे नहीं बना रहा उसको पहले लिखेंगे और जिससे बना रहा है उसको बाद में लिखेंगे। रिलेशन इसका किसके साथ है? इसके साथ है, ये दूर का है, ठीक है ना, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। रियल लाइफ में भी होता है ना, जो दूर का होता है उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसको पहले बुलाते हैं, कि नहीं। और जो पास वाला होता है, चलो ठीक है यार, क्या करना है, मतलब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे नहीं बना रहा उसको पहले लिखा, जिससे बना रहा उसको बाद में, सिंपल बात है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दिखा दूँ, ये है, और ये वाला ना 45 डिग्री है, ठीक है, बताओ इसको क्या लिखोगे? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ और साउथ ऑफ वेस्ट, बोलिए क्या सही है? आप बोलोगे साउथ ऑफ वेस्ट, क्योंकि जिसके साथ नहीं बना रहा है पहले लिखेंगे, जिसके साथ बना रहा है उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन इस केस में अगर हम डब्ल्यू एस लिखते हैं तो वो भी सही है, इसमें दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये भी एंगल कितना है, ये भी तो 45 ही है ना, ये भी तो 45 है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब 45 के केस में हमको जो आता है कॉन्सेप्ट, कि जिससे नहीं बना रहा उसको पहले लिखना है, जिसे बना रहा बाद में लिखना है, उससे जो आंसर आता है उसका उल्टा भी सही होगा। अगर उस कॉन्सेप्ट की एस डब्ल्यू आएगा लेकिन डब्ल्यू एस भी सही रहेगा, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ गया, सिंपल सी बात, जिससे नहीं बना रहा उसको पहले, जिससे बना रहा है बाद में, ठीक है। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को भी यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन देते हैं वेक्टर का। हालांकि अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ये वेक्टर का जो चैप्टर्स अभी चलते रहेगा उसके अकॉर्डिंगली टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बता दूँ कि ये मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो इसमें अगर कुछ लिखना चाहूँ, मान लो मैं टैन 30 ही लिखना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है ना, इसका जो टेन थीटा है 1/√3 है ना। टेन थीटा क्या है जी इसका? 1/√3 है। हालांकि इसके लिए आप चिंता मत करिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन देंगे वेक्टर का बहुत सारा, ठीक है ना। इसको तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसके बाद ये यूज होगा, तो ये टाइम के साथ आपको क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। ओके चलिए लिखिए इसको। तो सबसे बेसिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, एंगल बिटवीन वैक्टर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है, क्या लिखा है कि एंगल बिटवीन जो वेक्टर होता है ना, दो वेक्टर का रिलेटिव डायरेक्शन होता है, डेफिनेटली रिलेटिव डायरेक्शन होता है। मान लो ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि भाई साहब देखो ए जो है ना उससे मैं थीटा बना रहा हूँ, ऐसे बोल सकता ना। तो रिलेटिव डायरेक्शन दिया ना, रिलेटिव पोजिशन तो बताया ना, बोलेगा बी कि मैं ए से ना एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे। चाहे ए भी बोल सकता है बी से ना मैं क्लॉकवाइज थीटा पे हूँ, ऐसे बोल सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव डायरेक्शन देता है ना। तो देखिए रिलेटिव डायरेक्शन देने के साथ हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या लिखा है कि अगर दो वेक्टर का टेल टेल एक पॉइंट पे हो या फिर हेड हेड एक पॉइंट पे, चलिए पहले टेल ले लेते हैं। अगर दो वेक्टर का टेल टेल एक पॉइंट पे है तो इसमें दो एंगल बनेंगे मेरे बाबू, दो एंगल बनेंगे, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना। छोटा वाला कौन बना? छोटू एंगल कौन बना? छोटू एंगल ये वाला बना, है ना। तो मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर हैं उनका टेल टेल कॉमन पॉइंट पे है, मतलब एक ही पॉइंट पे है, तो दो एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा और एक छोटा एंगल बनेगा। जो छोटा वाला एंगल होगा ना वही क्या कहलाएगा बताइए, ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कि ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो एंगल बन रहा है ना, एक ये बाहर वाला एक अंदर वाला, बाहर अंदर नहीं बोलेंगे, छोटा बड़ा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सो दिस थीटा इज व्हाट,
ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर है, ठीक है ना। लेकिन बात ये कोई ज़रूरी नहीं कि टेल टेल और हेड हेड एक ही पॉइंट पर है। मान लो कि आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन मिल जाए कुछ इस टाइप का, तब तो खतरा हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर वी, ठीक है ना। अब ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहली बात कि एक तो ये छोटा एंगल बनेगा और एक ये बड़ा एंगल बनेगा। यहाँ पे छोटा बड़ा तो पहली बात लगाएंगे नहीं, क्योंकि छोटा बड़ा लगाने का बात तो तब आएगा जब टेल टेल एक पॉइंट पे हो या फिर हेड हेड एक पॉइंट पे। यहाँ पे टेल टेल पहले से मिल गया था, हेड हेड पहले से मिल गया था, अब हमने लगा लिया। जब टेल टेल आपको मिल जाएगा उसके बाद हम छोटा बड़ा देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हेड पे टेल रहे ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक वेक्टर को शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्ट करो, ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट कर लेना है। और इस तरह से शिफ्ट करना है कि टेल टेल एक साथ आ जाए या फिर हेड हेड एक साथ आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आप कि यही है वेक्टर, ये है ना, इसका ये टेल है, तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। ये जो वेक्टर है ऐसे, तो इसको मैंने आगे ले लिया। तो जब आगे ले लूँगा ये, तो अब इस ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना, ठीक है। अब देखो, तो आप इमेजिन करो कि इस ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर का, दोनों का टेल इस पॉइंट पे हो गया। अब इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको आप भूल ही जाओ, तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है बताइए आप। तो एक बन रहा है एंगल ये वाला और एक बाहर वाला, बाहर से मतलब नहीं है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और यही कहलाएगा, मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि शिफ्ट करना है किसी एक वेक्टर को, और इस तरह से शिफ्ट करना है कि टेल टेल एक साथ आ जाए या फिर हेड हेड एक साथ आ जाए। बिल्कुल सही बोला मैंने। बोलोगे सर आपने ए को ही क्यों शिफ्ट किया, आप बी को भी शिफ्ट कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते, देखिए मैं बी को शिफ्ट कर देता हूँ। बी को क्या करूँ, बी को शिफ्ट करके हमें टेल टेल एक साथ करना है, हेड हेड एक साथ करना है। चलो हेड हेड कर सकते हैं एक साथ। देखो ये है ना, आप इसको पीछे कर लो ऐसे, तो आप पीछे कर लो इसको, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो हेड हेड है ना, ये पॉइंट हेड है, तो एक बाहर वाला ये बनेगा एक, ठीक है ना, एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो कौन सा बताओ, डायग्राम गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा एंगल बिटवीन, क्योंकि यही छोटा है ना, छोटा तो यही है, ठीक है। तो ऐसा हमारा वेक्टर होगा शिफ्ट करने के बाद, और हेड हेड एक पॉइंट पर आएगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। तो आप बताइए, अब आप देख के बताइए कि ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है क्या, बिल्कुल नहीं, दोनों एंगल क्या है, सेम ही है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि टेल टेल एक साथ पे लेके आना या फिर हेड हेड एक पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि शिफ्ट करते टाइम वेक्टर रोटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर रोटेट हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वेक्टर के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका मतलब वेक्टर ही आपने चेंज कर दिया। इसलिए शिफ्ट करते टाइम हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे यहाँ से ऐसे लेके गए थे, चाहे ये ऐसे था तो ऐसे लेके आए थे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे लेके आते टाइम ऐसे रोटेट कर दिया, चाहे ऐसे रोटेट कर दिया, इसको यहाँ ले आते टाइम ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो गलत हो जाएगा। आपको पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो, आप टेल टेल एक साथ करना चाहते हो, तो आप ऐसे लेके आइए, ऐसे शिफ्ट कर लिया, थोड़ा सा नीचे कर लो, तो टेल टेल एक पॉइंट पे आ गया। और जब टेल टेल एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा ना, ये तो क्या कहलाएगा बताइए, बी कहलाएगा। तो देखो, तो ये थीटा और ये थीटा सब तो सेम ही है ना, तो आपको जो करना है सो कर लीजिए, आप पूरा का पूरा आज़ाद हो। बस एक बात है कि वेक्टर को रोटेट नहीं करना है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर। थोड़ा सा एग्जांपल लगाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो, लिख लीजिए आप, ए वेक्टर बी वेक्टर 30 डिग्री। बताइए एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर 30 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि कुछ है करना ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना, क्योंकि टेल टेल एक साथ है। मान लीजिए एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और ये वाला 60 डिग्री दिया है। दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर। बताओ क्या एंगल 60 डिग्री है इसका, है क्या 60, बताइए, नहीं है, क्योंकि हमारे हेड पे टेल है। तो हेड पे टेल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। शिफ्ट करोगे तो क्या, इसको ऐसा करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, तो इसको आगे लेके आप अगर आप आओगे तो ए वेक्टर अब ऐसा दिखने लगेगा, है ना, ए वेक्टर अब ऐसा दिखने लगेगा। तो कुल मिला के हमारा बी और ए ये है, मतलब ए ऐसा है और बी ऐसा है, ठीक है ना। बी को इधर लिख देता हूँ,
बी ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री है। लेकिन हमारा आंसर क्या है इस वेक्टर के बीच का एंगल आंसर क्या है, तो एक ये एंगल होगा छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला होगा, तो मेरा तो ये आंसर होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये थीटा कितना होगा बताइए, तो ये टोटल एंगल कितना 180 में से 60 माइनस कर दो कितना आएगा 120 डिग्री। अरे मेरी बात क्लियर है क्या, हमने क्या किया 180 में से 60 को माइनस कर दिया 120 आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लो इसको भी मिटा देता हूँ, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज वी वेक्टर, ए वेक्टर वी वेक्टर ओके, और ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ 150 डिग्री दिया हुआ है। बोला कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा बताइए, क्या ए और बी के बीच का एंगल 150 होगा, नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा ए को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए ए को शिफ्ट कर लीजिए, ए को मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया तो ये बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा, ये तो कैसा दिखेगा जी, ये ऐसा दिखने लगेगा, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। हम लोग का प्रैक्टिस लो है इसलिए हम लोग स्लो स्लो होले होले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला एंगल कितना है 150, हमारा तो एंगल ये होगा ना थीटा, ये थीटा कितना हो जाएगा बताइए 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या बोलेंगे 30 डिग्री, दिस इज व्हाट एंगल, एंगल बिटवीन, क्लियर। अब आपको एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन वेक्टर टेल टेल एक साथ रहेगा तो छोटा वाला एंगल, हेड एक साथ रहेगा तो छोटा वाला एंगल, हेड पे टेल रहेगा तो हेड को शिफ्ट कर लेंगे, मतलब एक वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसा करेंगे कि टेल टेल एक साथ आ जाए फिर हेडेड एक साथ आ जाए, ठीक है, और शिफ्ट करते टाइम वेक्टर रोटेट नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए लिखिए इसको, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो आप कि ये कोई वेक्टर है और ये वाला रेफरेंस लाइन ये थीटा है। अब देखो रेफरेंस लाइन तो इसको बोलेंगे क्योंकि ये जो कोई वेक्टर ए है इसके साथ क्या बना रहा है, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इसी को क्या बोलूँगा मैं रेफरेंस लाइन बोलूँगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे रेफरेंस लाइन। तो इसमें डायरेक्शन कौन है, मैग्नीट्यूड है कौन, तो मैंने बोला कि जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन बोलेंगे। अगर एंगल निकालने के लिए बोल रहा है तो हम सोचेंगे क्या निकालना है जी हमें डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन पूछा है इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से एंगल ढूंढ के निकालना है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब क्या करना है, एंगल निकालना है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है ना, चलो ठीक है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, लेंथ ऑफ एरो, दिस एल इज व्हाट मैग्नीट्यूड। सिंपल भाषा में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर आप ड्रॉ करो, कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, जो ऐसे है 3 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, चलिए कुछ कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई बी वेक्टर है 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, सी वेक्टर -5 न्यूटन, ठीक है ना, ऐसा लिखिए, सी वेक्टर है 5 न्यूटन 30 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है। इन तीनों वेक्टर को हमें ड्रॉ करना है, कर सकते हैं ड्रॉ, कर सकते खूब आराम से। चलिए ए को अगर ड्रॉ करना है हमें, तो ए तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो मैंने ऐसे बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, बढ़िया। 3 न्यूटन का हमें वेक्टर ड्रॉ करना है और डायरेक्शन कैसे, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, मतलब नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, कौन सा में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करेगा, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा इसका लेंथ क्या होगा जी, तो 3 होगा, अब ये मत बोला कि 3 मीटर होगा, ठीक है ना। हमने बोला आपको कि मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं बोलूँगा कि इसका लेंथ क्या है 3 न्यूटन है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 न्यूटन है, और कौन सा एंगल है 30 डिग्री, ये वाला है कि ये वाला है, तो बताओ ये पहला लेटर क्या होता है जिससे नहीं बना रहा होता, और ईस्ट क्या होता है जिससे बना रहा होता, मतलब 30 डिग्री कहाँ से बन रहा है, ईस्ट से बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है, अगर आपको वेक्टर को इसको ड्रॉ करना है तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात किया, चलिए बात कर लेते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। ये बोला सिंपल सी बात है कि 10 न्यूटन का वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो ये तो बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है एक पॉजिटिव एक्सिस अगर हम
एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे, 10 न्यूटन। मतलब इस लेंथ ऑफ एरो क्या है, 10 न्यूटन है, ठीक है ना। अगर मान लो इसको ड्रॉ करना है मुझे, इसको सी को, दिस इज व्हाट बी वेक्टर, इज बी वेक्टर, ओके। सी को अगर ड्रॉ करना है हमें, तो सी को अगर ड्रॉ करना है तो देखिए ये भी क्या, ये कुछ लिखा ही नहीं ना, समझ में आ रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है, 30 डिग्री सेफ लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक वाइज, कुछ भी नहीं लिखा रहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक वाइज, अदरवाइज कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। सो दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ये 30 डिग्री हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो 5 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ, हम लोग अगर ये लिखा रहेगा तो हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, और ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो हम वेक्टर को लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको पता चलना चाहिए कि वेक्टर कैसे पता चलेगा, तो एक मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और बगल में डायरेक्शन अटैच किया रहेगा। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, बगल में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बगल में डायरेक्शन है। अगर कोई बात किया कि इसको इसको ले जाओ, मतलब वो क्या बात कर रहा है, स्केलर, अगर कोई बात किया इसको ले जाओ खोपचे में, है कि नहीं, तो क्या बात किया, वो डायरेक्शन का बात किया, कहाँ लेके जाना है, खोपचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन अगर अटैच करेंगे तब जाकर वो क्वांटिटी क्या होगी जी, वेक्टर होगी, ठीक है ना। ले जाओ इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, ले जाओ खोपचे में, मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चलिए लिखिए इसको, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आपको बहुत सारे अलजेब्रा मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, देखिए दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, देखिए मैं कुछ कुछ वेक्टर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। 5 न्यूटन 30 डिग्री, ठीक है ना, 5 न्यूटन 30 डिग्री, ओके। 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, ओके। और एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँ तब जाकर आपको अच्छे से चमक जाएगा, 30 डिग्री 5 न्यूटन, ठीक है ना, 30 डिग्री 5 न्यूटन, ओके। अब बताइए, मैंने बोला कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। सबसे पहली बात कि हम इक्वालिटी वगैरह का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। ये बताइए कि ये वाला जो है ना फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, ठीक है ना। क्या 1 और 2 को हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या आपस में, 1 और 2 को कुछ बात कर सकते हैं क्या, दोनों इक्वल हैं कि कहीं क्या है, कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे न्यूटन लगा और यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात हो रहा है, ये फोर्स है और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो हम लोग फोर्स और वेलोसिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कुछ कह ही नहीं सकते कि इक्वल है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, ठीक है ना। तो नेचर क्या है इसका, मतलब सेम है, मतलब ये भी क्या है, फोर्स है, और ये भी क्या है, फोर्स है, लेकिन ये वाला वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहली बात इक्वालिटी के लिए हमें ये जानना होगा कि नेचर सेम है कि नहीं। अगर नेचर सेम हो गया उसके बाद बात करेंगे कि दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जा रहे। वेक्टर का सेम होने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम होना और डायरेक्शन भी सेम होना। लेकिन वेक्टर कैसा पहले देखना है, सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले सेम नेचर में देखना है, कहने मतलब ये कहते हैं हम लोग कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो 1 एंड 3 आर सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस प्रॉपर्टी में, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर के प्रॉपर्टी में ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है ना। देखो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5। इसका डायरेक्शन 30 डिग्री, इसका डायरेक्शन क्या है, 30। तो क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, दोनों फोर्स है इसलिए सेम वेक्टर है। चलो ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दो इक्वल वेक्टर ऑलवेज पैरेलल होंगे? डेफिनेटली कह सकता हूँ, ऑलवेज ये पैरेलल होंगे, तो होंगे 30 डिग्री 5 न्यूटन। देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन 30 डिग्री, ठीक है ना, दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, ओके। अच्छा ये बताइए, इस वेक्टर को ड्रॉ करिए, चाहे इस वेक्टर को ड्रॉ करिए, चाहे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करिए 30 डिग्री, ठीक है ना, 5 न्यूटन, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये भी वही है, ये भी वही है, सब तो ये तीनों सेम है, ये भी सेम ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं
मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ क्या कि इसी वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ लाया है? कह सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। कहने मतलब ये है कि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एंगल निकालने के लिए बता रहा था कि वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो हमारे पास ये आज़ादी है कि ये ए वेक्टर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए वेक्टर को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस ए वेक्टर को यहाँ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कैसे लिखना है जी, पैरेलल शिफ्ट करना है। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं कहीं भी। आप एक चीज़ देखोगे कि सब के सब डायरेक्शन क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ओके, शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि शिफ्ट करते टाइम रोटेट नहीं होना है। मतलब ये कोई वेक्टर है, ये इसका एरो है, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, इधर देख, है ना। लेकिन ऐसे करते टाइम ऐसे रोटेट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे ऑलरेडी ऐसे है, तो इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे लेके जा रहे हैं और ऐसे रोटेट कर दिए, चाहे ऐसा नहीं ऐसे लेके जा रहे हैं ऐसे रोटेट कर दिए, रोटेट नहीं करना है, ये फिक्स करना है ऐसे। आई बात समझ में ना, ठीक है, फिक्स करके। तो हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ओके, एंड इफ वेक्टर इज रोटेटेड इट चेंजेस, अगर वेक्टर रोटेट हो गया तो वो वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमने इक्वालिटी वेक्टर के बारे में बात किया कि दो वेक्टर इक्वल होंगे, मैग्नेट डायरेक्शन सेम होगा, दो वेक्टर ऑलवेज पैरेलल होंगे अगर इक्वल है तो, ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, कर सकते हो लेकिन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट सॉरी वेक्टर को रोटेट आप कर सकते हो लेकिन वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब ये है कि हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अगर चेंज नहीं करना है तो, ठीक है ना, रोटेट करते तो चेंज हो जाएगा। अच्छा चलिए बात करते हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, ये टू और थ्री, टू और थ्री वेक्टर क्या है, अनइक्वल वेक्टर है। तो टू और थ्री क्या है जी, अनइक्वल वेक्टर है। चलिए एक और वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक फोर्थ वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहीं पर। टेन न्यूटन 30 डिग्री बात कर लिया, ठीक है ना, ये फोर्थ वेक्टर है। चलिए हम कह सकते हैं क्या कि टू और थ्री अनइक्वल वेक्टर अगर है तो कौन बड़ा है? देखो हमारे मन में क्या आता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है अगर इक्वल नहीं है तो हमारे मन में क्या आता है, कंपैरिजन आ जाता है। जैसे ही कंपैरिजन आता है सोचते ओ बराबर नहीं है, इसका मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि दो लोग बराबर नहीं है, है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, एक बड़ा होगा या फिर एक छोटा होगा। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि इक्वल नहीं है तो हमारे मन में कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये वेक्टर वेक्टर टू और वेक्टर थ्री इक्वल नहीं है तो हमारे मन में कंपैरिजन आ जाए, अच्छा तो इसका मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। क्या ऐसा बात है क्या? नहीं। क्या आप वेलोसिटी और फोर्स को कंपेयर कर सकते हो, बड़ा छोटा कह सकते हो? नहीं कह सकते। स्केलर में नंबर का बात करें, पैसों का बात करें, मान लो मैं बोलूँगा कि दो लोग हैं, दोनों के पास इक्वल इक्वल मनी नहीं है, इक्वल इक्वल पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक ही बार समझ लेते, अच्छा तो एक भिखारी होगा और एक अमीर होगा, पैसे में हो सकता है, पैसा स्केलर है कि नहीं, किधर से भी आ सकता है ना, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कहीं से भी आ सकता है पैसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं ना तो हम कंपैरिजन नहीं करते। स्केलर अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि बड़ा है छोटा है, है ना। जैसे मैं टाइम टाइम तो स्केलर होता है, मैं बोलूँगा कि हम लोग दो लोग पढ़ रहे थे लेकिन सेम टाइम तक नहीं पढ़े, मतलब एक ज़्यादा पढ़ा होगा और एक कम पढ़ा होगा, हम लोग तुरंत कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन अगर वेक्टर की बात करूँ तो मैं बोलूँगा ये वेक्टर अनइक्वल है, तो ये नहीं बोलना है कि ये वेक्टर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे मैं बोलूँगा अनइक्वल वेक्टर, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि अच्छा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, कभी नहीं। देखो तो कर सकते हो क्या? नहीं, फोर्स और वेलोसिटी को हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताइए, टू और फोर को कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? टू और फोर को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है। हाँ एक बात जरूर कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ नंबर का जो वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना 10 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है। यहाँ पे कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं लेकिन एज अ होल वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फोर्थ है, लिखिए। तो नेक्स्ट अपना अलजेब्रा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर विथ स्केलर लेमडा, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेमडा लिखा हुआ है, लेमडा बस और बस क्या है, नंबर है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 माइनस टू माइनस, मतलब ये कोई स्केलर नंबर, ये वेवलेंथ नहीं है। अगर आपने सुना है जिंदगी में कभी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ नहीं, मैंने लेमडा को डिनोट किया है किससे, कोई नंबर है सिंपल, ठीक है ना।
तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पढ़ने जा रहे हैं कोई वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, क्या वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो वेक्टर ही रहेगा या फिर वो स्केलर हो जाएगा, है ना, इस पर बात करना है। तो जैसे सपोज़ मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है हमारे पास, कोई वेक्टर ए है और इसमें मैंने लेमडा मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, लेमडा ए बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि अगर वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी होती है वेक्टर ही होती है, लेकिन क्वांटिटी बदल जाती है कि नहीं, कुछ और बोलेंगे ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर ए है उसमें अगर हम लोग कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर ही मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर ही मिलेगी तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो वेक्टर मिला क्या उसका डायरेक्शन सेम था पहले जैसा, जो पहले का वेक्टर ए था, अब नया वेक्टर हमारे को मिल चुका है बी जब हमने मल्टीप्लाई किया लेमडा से, तो जो बी वेक्टर नया मिला क्या उसका डायरेक्शन वही है जो पहले ए का था, क्या उसका मैग्नीट्यूड वही है जो पहले ए का था। मतलब वी शुड टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर बी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे डिनोट करेंगे जी, हेलो डियर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे डिनोट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने तो स्केलर बोला है ना, इनटू मॉडुलस ऑफ ए। मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज लैम्डा मैग्नीट्यूड, ओके। इसका मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड है ना लैम्डा टाइम्स ए हो गया, मतलब नया जो वेक्टर मिलेगा जितना आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर लैम्डा वन से ज़्यादा, टू थ्री फोर फाइव है, मान लो फाइव हो तो फाइव टाइम्स हो गया, सिक्स है तो सिक्स टाइम्स हो गया, टू है तो टू टाइम्स हो गया। अगर लैम्डा वन बाई टू से मल्टीप्लाई करता तो वन बाई टू टाइम्स ये हो जाता, मतलब ए बाई टू हो जाता, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता जी, डिक्रीज हो जाता। चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर वी। तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ए इफ लेमडा इज पॉजिटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ, लिख देता हूं, मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ बी डायरेक्शन ऑफ ए सेम रहेंगे जब आप लेमडा पॉजिटिव होगा, मतलब जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डायरेक्शन बी का होगा ए का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा लेस देन जीरो हो गया, तो इस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए के उल्टे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 180 डिग्री से क्या हो जाएगा जी, वो घूम जाएगा, मेरी बात समझ में क्या, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये जो है अभी आपको शायद लग रहा है बहुत ही छोटी बात है तो सीख लिया, लेकिन ये चीज़ यूज बहुत ज़्यादा होता है, पूरे फिजिक्स में यूज होता है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको फील आ गया ना दिल से, तो आपको आगे आने वाले किसी नई नई क्वांटिटी जब आएंगे आगे आने वाले फिजिक्स में चैप्टर्स में, तो उनका डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे इस पर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया एफ इक्वल टू एम ए लिखा। अब देखो, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है और फोर्स भी क्या है, वेक्टर है, तो क्या इसी तर्ज पे आ गया, ये इसी तर्ज पे आया कि नहीं, इसी ट्रैक पे आया ना, कि कोई ए वेक्टर है उसमें मैंने एम स्केलर मल्टीप्लाई किया तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर ही होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा एम टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। खैर ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे कोई टेंशन ही लेना है, मेन बात है डायरेक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ फोर्स का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा क्या, तो बोलोगे कि सर जब एम पॉजिटिव होगा ना तो एफ और ए का डायरेक्शन सेम रहेगा, जब लेमडा पॉजिटिव रहेगा ना तो बी और ए का डायरेक्शन सेम रहेगा, देख रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जब एम पॉजिटिव हो तो एफ और ए का डायरेक्शन सेम रहेगा, और एम नेगेटिव होगा तो एफ और ए का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। क्या आपने नेगेटिव मास देखा है क्या, एम नेगेटिव को भी देखा है क्या, नहीं, एम नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ये फोर्स क्या है, नेट फोर्स होता है, हालांकि इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी, अब आप बताओ मोमेंटम और वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, जिधर वेलोसिटी उधर ही मोमेंटम, ठीक है ना, क्योंकि एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने देखा होगा ये वाला, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा एफ इक्वल टू क्यू, ये चार्ज पे फोर्स होता है, किसी भी चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल टू क्यू वी से निकालते हैं। तो बताओ इसको बोलते हैं फोर्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो सोचो मैं अगर पूछूंगा कि एफ और ई का डायरेक्शन सेम है क्या, तो आप बोलोगे सर जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो एफ और ई का डायरेक्शन सेम होगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो एफ और ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर।
अब यहाँ पे चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखो ना, देखो मैंने स्टार्ट किया आपको न्यूटन्स लॉ से 11 से और यहाँ पे कहाँ पहुँच गए 12 तक, पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा नया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स हैव सेम डायरेक्शन, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, लिखिए इसको, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना। मेरे कोई बी वेक्टर मिला, वो कब मिला, जब 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a हो गया, इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम्स ए हो गया, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ एरो फॉर ए हमने ड्रॉ किया है ना, इस बी का लेंथ क्या होगा, उससे दुगना होगा, कि मुझे पता है मैग्नीट्यूड और लेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वी वेक्टर को अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो इससे दुगना लेंथ का मैं ड्रॉ करूँगा। सो दिस इज व्हाट बी वेक्टर, दिस इज व्हाट ए वेक्टर, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने ड्रॉ किया, मैंने लिखा कोई सी वेक्टर मुझे मिला, सी वेक्टर मिला और मेरे को मिला ये -1 मल्टीप्लाई करने से, सी वेक्टर कैसा मिल गया जी, -1 मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और ए चेंज हुआ क्या, नहीं। -1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब सी और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है ना। सी और ए का मैग्नीट्यूड क्या है जी, सेम है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इसके लिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, लेकिन लेंथ ऑफ एरो फॉर सी विल बी सेम एज लेंथ ऑफ एरो फॉर ए। जो लेंथ ऑफ एरो मैंने ए के लिए ड्रॉ किया है उतना ही बराबर रहेगा, लेकिन अपोजिट में हो जाएगा, ये ऐसे है तो सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी, दिस इज व्हाट सी वेक्टर, मेरी बात चमकी की अच्छे से, अपोजिट हो गया नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है ना, और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया था तो डायरेक्शन क्या था, सेम था, बस मैग्नीट्यूड बढ़ गया था 2 times, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने बोला सी इक्वल्स टू -1/2a, बताइए क्या होगा, मैग्नीट्यूड a by 2 हो गया, मतलब इसका लेंथ का आधा हो गया, लेकिन अपोजिट में ही रहेगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा, मान लो ये वाला डी वेक्टर ले लो, तो ये डी वेक्टर होगा, मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना, हाफ हो गया, इसका जितना था उसका ये हाफ है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, आप लिखिए इसको। तो देखिए मैंने एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर से ले लिया, क्वेश्चन पढ़िए आपको समझ में आएगा, कि क्वेश्चन बोला है कि वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विथ -1 टू प्रोड्यूस न्यू वेक्टर -a वेक्टर, मतलब पहले से मेरे पास एक ए वेक्टर था और इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, एक नया वेक्टर -a वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग /r करेक्ट, मतलब इसमें से एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, या फिर एक /r मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए बात यह है कि -a मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब ये हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये a वेक्टर होगा तो -a वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, दिस इज -a वेक्टर एंड दिस इज व्हाट ए वेक्टर, क्या लेंथ ऑफ एरो में कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, -1 और 1 मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओके तो ऑप्शन ए को पढ़िए, ऑप्शन ए क्या बोला कि ए वेक्टर इक्वल्स टू -a वेक्टर, क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं, मैंने आपको अभी इक्वल वेक्टर का प्रॉपर्टी बताया कि दो इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है, क्या नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। अच्छा मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोनों का, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ -a इज करेक्ट, ये सही बोला, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू -a, ये क्या बोला, वेक्टर ए इज इक्वल टू -a, ये जब कोई गलत है इसका मतलब ये सही होगा लॉजिकली, ये तो सही बोल रहा ना, वेक्टर ए और -a वेक्टर और -a वेक्टर तो इक्वल नहीं है ना, और ये देखिए ये गलत है कि सही है, ये तो गलत है। बोला कि मैग्नीट्यूड बोला है कि इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो गलत है, ये बी और सी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ए वेक्टर है और एक -a वेक्टर है ना, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो तो इसका लेंथ और इसका लेंथ, ठीक है, लिखिए। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं।
जैसा कि आपने देखा पूरा का पूरा आज का लेक्चर बेसिक था, और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया है आपको, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आगे का आने वाला जो लेक्चर 2 है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। धीरे 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 हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक फंडामेंटली हम लोग स्ट्रांग होते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर का आपने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किया है, और आपको बार बार लगातार इसको रिविज़न करिए, बार बार लगातार रिवीजन करिए। और इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, ओके, डाउट पूछिए, आई विल हेल्प यू, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।